हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 29 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट इसलिए होती है क्योंकि उनको डर लगता है कि हम करें और ना बन पाए। तो इससे बचने का आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है, आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं और लास्टली जो मेन डाटा मिलेगा उसको रिलेट कर देना है। वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच लेंगे सॉल्व करने का। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर एक लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन के हम लोग का जितना भी डिटेल है वो नोट डाउन कर लेंगे। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल 12.5% मोर देन इट्स सीपी, सीपी से 12.5% मोर। तो सीपी अभी हम यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल का जरूरत रहा तो लास्ट में लगा देंगे, नहीं है तो अभी 100 मान लेते हैं। सीपी जब 100 मानेंगे तो 12.5% अधिक, यानी कि जब इसमें 12.5% ऐड करेंगे तो ये मुझे कितना दे देगा, 112.5। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता परचेज द सेम आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मिस्टर गुप्ता इसको कितना पे खरीदे, एसपी, यानी कि उनका कितना हो जाएगा, 112.5। कितना का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 80% लिख दिए हम यहाँ पे, 80% ऑफ द आर्टिकल, 20% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बट ऑल्सो पेड सी जी एस टी ऑफ 6% एंड एस जी एस टी ऑफ 6%। जी एस टी का समझिएगा, जब भी सी जी एस टी और एस जी एस टी आता है, मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट है हमारा, जैसे 100 रुपया है, इस पर भी मुझे 6% देना है, यानी कि 6 रुपया इन्हें टैक्स देना है, ये सी जी एस टी में जाएगा और एस जी एस टी में 6 रुपया देना है, यानी 6 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि लिटरली हम जब भी सी जी एस टी और एस जी एस टी आएगा उन दोनों को ऐड करके हम उतना ही टैक्स देंगे, यानी कि 6% और प्लस में 6%, यानी कि कितना हो गया, 12% का हम लोग क्या दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। कितने का टैक्स पे कर रहे हैं, 12% का, एक सेंट्रल को एक स्टेट गवर्नमेंट को, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब टैक्स पे कर रहे हैं तो 6% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, इतना, और इस पे हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। कितने का टैक्स पे कर रहे हैं, 12%, यानी कि 112/100, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। इसे आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने का आप लोग को अप्रोच आना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम 25 से इसको काटेंगे। तो 25 से जब इसे मैं काटूंगा तो ये मुझे यहाँ पे देगा 4, और 25 से जब मैं इसे काटूंगा तो 4 बार में और यहाँ पे 5 बार में, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, 10 इस 0 को काट देगा, 4 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, और भी कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 5 से कटेगा ये 9 बार में, फिर यहाँ से मैं 2 से काट सकता हूँ 10 बार में, और 2 से इसे काट सकता हूँ मैं 5 और 6 बार में। क्लियर है बात। अब यहाँ पे 18 मुझे क्या करना है, 56 करना है। 18 में जब मैं करूँगा तो ये मुझे देगा यहाँ पे 1008 और अपॉन में कितना, 110, यानी कि एसपी जो मुझे निकल गया 100.8 निकल गया। कितना निकल गया एसपी, 100.8। मैंने यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आगे मैं बढ़ता हूँ। मिस्टर गुप्ता देन गेव द आर्टिकल टू हिज कज़न फॉर ₹5200। कितने में बेच दिया उस आर्टिकल को उन्होंने, 5200 में बेच दिया, एंड देयर बाई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कितना प्रॉफिट अर्न किया, 30% अर्न किया, किसका, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100 था, यानी कि 30% जब हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे अर्न करेंगे तो 100 प्लस कितना, 30, यानी कि कितना, 130 हो जाएगा हमारा, यानी कि 130 यूनिट का जो संबंध होगा वो किससे होगा हमारा, 5200 से होगा। तो यानी 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा हमारा, 5200 अपॉन में कितना, 130, 00 खत्म, 13 से कितने बार में ये कट जाएगा, 40 बार में, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 40 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 40 रुपीज़। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, एट व्हाट प्राइस डिड मिस्टर गुप्ता परचेज द आर्टिकल फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर से उन्होंने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा था, शॉपकीपर से देखिए तो उस आर्टिकल को कितने में खरीदा था, 100.8 यूनिट में खरीदा था। कितने यूनिट में खरीदा था, 100.8। एक यूनिट का मान जब मालूम है मुझे तो 100.8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 कितना, 100.8। यहाँ से पॉइंट हटा दिए, 10 आ गया, 00 खत्म हो गया, 4 को जब 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे देगा 4032 रुपीज़। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ध्यान देने लायक ये सवाल था,
कि मैंने कहीं पे भी एक बार भी किसी लाइन को पढ़ने के बाद मैं पीछे वाले लाइन पे नहीं गया। बड़े क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जो बोला जाए आपको लाइन बाय लाइन आप करते चले जाओ, और लास्टली जो एक डाटा मिलेगा उस डाटा से आपको क्या करना है, रिलेट कर देना। यहाँ पे मुझे मिला था ये 30% का प्रॉफिट और इसी को मैंने रिलेट कर दिया 5200 से, और यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूनिट बेसिस पे। तो इस सब बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन और नॉर्मली बहुत ईजी होता है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।